नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। केरल में गर्भवती हथिनी की बर्बरता से मारे जाने की घटना से पूरा देश हैरान है। हर कोई हथिनी की दर्दनाक मौत पर शोक जता रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच पशु अधिकारों पर काम करने के लिए प्रसिद्ध भाजपा सांसद मेनका गांधी ने काफी सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मारा जाता है। उन्होंने कहा कि खासकर मल्लमपुरा जिले जानवरों में ही नहीं इंसानों पर भी बर्बरता की घटनाओं के लिए पूरे देश में कुख्यात है। मेनका ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी उसी इलाके से एमपी हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। भाजपा नेता मेनका गांधी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन्होंने केरल के मल्लमपुरा में गर्भवती हथिनी की मौत के बाद खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मल्लमपुरम में गर्भवती हथिनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना पर प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने भी आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना को न्याय की मांग की है। टाटा ने ट्वीट किया, मैं यह जानकर बेहद दुख हूं और स्तब्ध हूं कि लोगों के एक समूह ने एक निर्दोष तटस्थ और गर्भवती हथिनी को पटाखे भरी अनानास खिलाकर मार दिया। निर्दोष जानवरों के खिलाफ ऐसे व्यवहार करना इंसानों की सोची समझी हत्या से कम नहीं, इसके लिए न्याय होना चाहिए। इसके साथ ही कप्तान कोहली इस घटना से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि केरल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत ज्यादा आहत हूं। उन्होंने कहा, मैं जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसे कार्य करना बहुत ज्यादा हैरत अंगेज है। कोहली ने हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए सैटेलाइट पर पोस्ट की। उधर प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पाठक ने भी हथिनी की हत्या पर शोक प्रकट किया। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से अपना दुख जताया। पटनायक ने बच्चे के साथ हथिनी का सेंट कलाकार बनाकर ट्वीट किया और लिखा कि मानवता फिर शर्मसार हुई है, हाथियों के संरक्षण पर मेरा एक कलाकार। गौरतलब है कि केरल के मल्लमपुरा में कुछ लोगों ने गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया था। हथिनी ने जैसे ही अनानास खाया उसके मुंह में पटाखे फूट गए और बुरी तरह से वह घायल हो गई। हथिनी दौड़ते हुए नदी में चलते खड़ी हो गई और अपना मुंह पानी में डुबाया, बल्कि इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और हथिनी को बचाया नहीं जा सका। वहीं वाइल्ड लाइफ SOS ने हत्या में शामिल आरोपियों को पकड़वाने पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया है। जो भी इस केस में वन विभाग की मदद करेगा उसके लिए वाइल्ड लाइफ SOS की ओर से यह इनाम दिया जाएगा।